हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। यार आप सभी सुबह से रिजल्ट का इंतजार करो लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि आज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ यार, पैनिक और फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे टाइम में जो जेईई मेंस का आपका अप्रैल का रिजल्ट आया था वो रात को 9 बजे आया था, ठीक है। और अभी बहुत कम टाइम है एनटीए के पास, 6 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हुआ है और अभी 11 तारीख को रिजल्ट उनको डिक्लेयर करना है, तो थोड़ा इसीलिए उनको लेट हो रहा होगा। यानी आज रात तक रिजल्ट आने के पूरे चांसेस है और ये मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो जोसा का आपका काउंसलिंग का स्केड्यूल निकाला है उसमें जो लिखा है जॉइंट अपेक्स बोर्ड डिक्लेयर्स जेईई मेन 2020 रैंक्स बाय सेप्टेम्बर 11, यानी आज तक इनको डिक्लेयर कर देना है। और एक और इनको कंपल्सन है डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि जो जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन है वो भी 12 सेप्टेम्बर से शुरू है, यानी कल से शुरू है और 17 सेप्टेम्बर को लास्ट डेट है, ओके। और बात करें अगर इसकी कट ऑफ की, तो इसका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है आपका 2019 का जो जेईई मेन का कट ऑफ है उसमें आप देख सकते हो जेईई मेन में आपका जनरल का गया था 89.75 परसेंटाइल, ओबीसी का 78.217, एससी का 74.31, एसटी का 44.33, पीडब्ल्यूडी का 0.11। 18 में देख सकते हो ये मार्क्स में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जो कॉमन रैंक लिस्ट या फिर जनरल का कह सकते हो 350 मैक्सिमम था और 74 आपका मिनिमम मार्क्स था, ठीक है। ओबीसी एनसीएल में आपका 73 मैक्सिमम था मैक्स मार्क्स और मिनिमम मार्क्स 45, एससी में आप देख सकते हो 73 मैक्स 29 मिनिमम, ऐसे ही इसमें 2018 का कट ऑफ दिया है। तो मेनली जो आपका सिमिलर रहेगा इस साल का कट ऑफ वो 2019 के कट ऑफ से सिमिलर रहेगा, क्योंकि दोनों में आपके परसेंटाइल सिस्टम थे। सो गाइस कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आज ही आने वाला है, ठीक है। रात तक कभी भी आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि मेरे टाइम में भी जो रिजल्ट वो रात 9 या 9:30 बजे के बीच में आया था लास्ट ईयर, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।